नेक्स्ट थ्योरम टू इज आयलर्स फंक्शन फाई इज ए मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन. मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन अभी हमने डिफाइन किया था क्या होता है कि फाई एम एन इज इक्वल टू फाई एम इंटू फाई एन. अगर किसी फंक्शन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर एम एन एंड एम एंड एन आर को प्राइम इंटीजर्स, तो वो मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन होता है. तो अब हमें यही प्रूव करना है कि अगर एम और एन रिलेटिवली प्राइम है तो फाई फंक्शन जो कि आयलर फंक्शन है डेट इज़ ए मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन. डेट मीन्स फाई एम एन इज इक्वल टू फाई एम इंटू फाई एन. फॉर एम वन और एन वन द रिज़ल्ट इज़ ऑब्वियसली ट्रू. अगर हम फाई, अब हमें प्रूव करना है कि फाई जो कि हमारा आयलर्स फंक्शन है फाई एम एन, उसको हमें प्रूव करना है फाई एम इंटू फाई एन के. अब देखिए, क्योंकि फाई अगर हम आइदर एम और एन किसी एक को भी वन लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन, सपोज हमने एम को वन लिया तो फाई एम एन बन गया फाई एन, फाई एम फाई वन हो जाएगा फाई एन. सपोज इस केस में तो ये फाई एन, फाई वन की वैल्यू वन ही होती है, पहले बताया था मैंने. तो फाई एन इज इक्वल टू फाई एन, ट्रू आ गई वैल्यू. सिमिलरली अगर एन को वन लेंगे तो फाई एम इज इक्वल टू फाई एम इंटू फाई वन, फाई वन इज वन, सो फाई एम इज इक्वल टू फाई एम ही आएगा. तो एम या एन वन लें तो दोनों ही केसेस में रिजल्ट जो है वो ट्रू होता है. अब नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं, अगर हम एम या एन, एम और एन दोनों को ग्रेटर देन वन लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा. तो देखिए, एम और एन दोनों को वन से बड़ा लेंगे तो हम वन से लेकर एम एन इंटीजर्स हैं, क्योंकि फाई एम एन की वैल्यू निकालनी है, मतलब एम एन इंटीजर से को छोटे और उसके को प्राइम इंटीजर्स देखने हैं हमें कि कितने हैं. तो हम वन से लेकर एम एन इंटीजर्स को एम रोज कॉलम्स में और एन रोज में अरेंज करते हैं. कैसे अरेंज करना है ध्यान रखना है आपको, कि वन से एम यहाँ लिखेंगे, फिर एम प्लस वन, एम प्लस टू, अप टू नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ही हैं, बस इनको रो एक रो में एम नंबर्स होने चाहिए और टोटल, मतलब एक टोटल कॉलम्स तो एम होंगे और रोज हमारी एन होंगी. तो वन से एम तक यहाँ, एम प्लस वन से टू एम तक यहाँ, अप टू ऐसे ही यहाँ देखिए वन एम, तो लास्ट में टोटल एन बनानी है ना, तो एन माइनस वन आएगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ वन से शुरू हुआ वन टू, तो ये एन माइनस वन आ जाएगा. सेकेंड के साथ यहाँ वन आया है तो लास्ट के साथ एन माइनस वन आ जाएगा. सिमिलरली लास्ट में एम एन तक, तो टोटल एम एन इंटीजर्स को हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया रोज एंड कॉलम्स में. नाउ फाई एम एन की वैल्यू क्या होगी. फाई एम एन क्या होता है, बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ एंट्रीज डेट आर रिलेटिवली प्राइम टू एम एन. एम एन इंटीजर से लेस देन और इससे जो जो इसके साथ को प्राइम है वो नंबर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं. तो अब एम एन के को प्राइम जो होंगे वो इंडिविजुअली एम के साथ भी को प्राइम होगा और एन के साथ भी, क्योंकि ये रिजल्ट भी किया है हमने. अगर ए का बी सी के साथ जी सी डी वन है तो ए का बी के साथ भी जी सी डी वन होगा और सी के साथ भी. आप कोई भी दो नंबर्स इंटीजर्स लेकर इसको प्रूव कर सकते हो. नाउ कंसीडर द एंट्रीज इन द आर एथ कॉलम. आर एथ कॉलम जो है ये, इसकी एंट्रीज को हमें कंसीडर करना है. इसमें कौन कौन सी एंट्रीज हैं, आर एम प्लस आर अप टू एन माइनस वन एम प्लस आर. द एंट्रीज ऑफ वन, अब देखिए इसकी जो एंट्रीज हैं दीज एपी फॉर्म करती हैं ये, जिसमें कॉमन डिफरेंस है आर सॉरी एम. सब टर्म्स में एम एम का डिफरेंस आएगा, ये एक एपी सीरीज बन रही है. अब इसकी हर एक टर्म एम के साथ प्राइम कब हो सकती है, जब आर का और एम का जी सी डी वन आएगा. देखो ये कैसे हुआ, अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं, आर एम प्लस आर टू एम प्लस आर अप टू लास्ट है एन माइनस वन एम प्लस आर. ठीक है, ये टर्म्स हैं. हमें प्रूव करना है कि ये सारी की सारी टर्म्स एम के साथ को प्राइम कब होंगी, इफ एंड ओनली इफ आर और एम का जी सी डी जो है डैट इज वन. देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको हम, अगर आर और एम का जी सी डी वन है, मान लीजिए आर है टू और एम है थ्री, दोनों का जी सी डी वन है, तो आर ये फर्स्ट तो हो ही गया, दोनों का जी सी डी अगर वन है तो आर इन दोनों का भी वन होगा. सेकेंड एम प्लस आर क्या बनेगा, एम प्लस आर
टू प्लस थ्री फाइव, तो फाइव का जीसीडी एम है थ्री, फाइव और थ्री का जीसीडी भी वन है अगर इन दोनों का जीसीडी वन है। सिमिलरली इन दोनों का जीसीडी भी कब वन होगा, जब हमारे पास इन दोनों का वन होगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि दीज एंट्रीज इन वन, ये जो हैं ये m के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगी इफ़ एंड ओनली इफ r एंड m का जी सी डी वन होगा। बट r के कितनी वैल्यूज़ के लिए इसका जी सी डी m के साथ वन होगा, m के साथ कितने नंबर्स ऐसे हैं जो को प्राइम होंगे, कितने होते हैं, बाय आइलर फंक्शन फाई एम इंटीजर्स जो हैं वो उसके साथ को प्राइम होते हैं, क्योंकि फाई एम में भी वही इंटीजर्स आते हैं जो m से लेस हों और उसके साथ को प्राइम हों। तो m के साथ को प्राइम कितने इंटीजर्स होंगे, फाई m वैल्यूज़ ऑफ r, r की कितनी वैल्यूज़ होंगी, फाई m वैल्यूज़ जो हैं वो इसके साथ को प्राइम होंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे एग्जैक्टली r की फाई m वैल्यूज़, मतलब ऐसे फाई m कॉलम्स होंगे जो m के साथ को प्राइम होंगे, ठीक है। और ईच कॉलम इन द, और जितने हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास n के साथ को प्राइम होंगे, जो हर एक कॉलम में n एलिमेंट्स हैं और n के साथ कितने को प्राइम होंगे, फाई n। तो इसका मतलब हर एक कॉलम में फाई n एलिमेंट्स को प्राइम विद n हैं और टोटल फाई m कॉलम्स हमारे पास m के साथ को प्राइम हैं। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए, हर एक कॉलम में फाई एन और टोटल फाई एम कॉलम्स, तो टोटल कितने को प्राइम आ गए, फाई एम इंटू फाई एन। तो ईच कॉलम इन द अबो एरे कंटेन्स फाई एन इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम टू एन, तो टोटल यहाँ पर फाई एम इंटू फाई एन इंटीजर्स हो गए जो एम एन से छोटे हैं और बोथ एम और एन के साथ को प्राइम हैं। डेट मीन्स फाई एम एन की वैल्यू क्या आ गई, फाई एम इंटू फाई एन, यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट देखिए, अगर n1 n2 अप टू एन आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है, ये पेयर वाइज का मतलब क्या है, रिलेटिवली प्राइम का कि n1 n2 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, n1 n3 के साथ भी, n1 n4 के साथ भी, n2 n3 के साथ, मतलब दो दो का हम लें वो आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो फाई ऑफ दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ n1 फाई ऑफ n2 अप टू फाई ऑफ n आर, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। नाउ थ्योरम थ्री क्या है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन ग्रेटर देन वन फाई एन इज इक्वल टू एन प्रोडक्ट ऑफ पी डिवाइड्स एन वन माइनस वन बाय पी, या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द इंटीजर एन ग्रेटर देन वन हैज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन दिस, कोई इंटीजर एन है जो ग्रेटर देन वन है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस फॉर्म का है, मतलब उसको हमने प्राइम्स की पावर्स की फॉर्म में ब्रेक कर लिया है, तो फाई एन हमारा किसके इक्वल होता है, एन अगर पी वन की पावर के वन, पी टू की पावर के टू, पी आर की पावर के आर है, वेयर पी वन पी टू आर प्राइम, तो फाई ऑफ एन क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला पी वन की पावर के वन माइनस पी वन की पावर के वन माइनस वन, इससे आएगा पी टू की पावर के टू माइनस पी टू की पावर के टू माइनस वन अप टू इसका, ये आ जाएगा। अब अगर हम इसमें से पी वन की पावर के वन कॉमन लें, इसमें से पी टू की पावर के टू, तो बाहर पी वन की के वन पी टू की के टू सब कॉमन आएंगे, तो वो एन बन जाएगा, वन माइनस वन बाय पी वन, वन माइनस वन बाय पी टू अप टू वन माइनस वन बाय पी आर अंदर बच जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। अब देखिए फाई एन किसके इक्वल है, यहाँ से ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम इक्वल हैं बिल्कुल, कैसे हैं, एन यहाँ भी है और इसका मतलब क्या है, वन माइनस वन बाई पी, पी डिवाइड्स एन, एन के हमें वो फैक्टर्स लेने हैं, उनका प्रोडक्ट्स लेना है, पी सारे वो हैं जो एन को डिवाइड करते हैं, मतलब एन जो पी वो सारे फैक्टर्स ऑफ एन है और यहाँ फैक्टर्स ऑफ एन पी वन पी टू हैं, तो उन सबका प्रोडक्ट करना है, तो वन माइनस वन बाई पी वन, वन माइनस वन बाई पी टू सबका प्रोडक्ट हो गया। अब इसका प्रूफ करते हैं, देखिए लेट n ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ n, सिंस अब p1 p2 सारे प्राइम इंटीजर्स हैं तो आपस में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सो इनका जी सी डी जो है डेट इज़ वन, तो p1 की पावर k1 p2 की पावर k2 इन सब का जी सी डी वन है क्योंकि सारे हमारे पास डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए फाई एन क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई वन बोथ साइड फाई एन, एन की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पर, अब
अभी हमने रिजल्ट किया मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का कि अगर m और n का जीसीडी 1 है तो फाई एम एन को ब्रेक करके फाई एम इंटू फाई एन लिख सकते हैं। और अभी हमने क्या कहा कि इन सब नंबर्स का जीसीडी 1 है, तो इन सब को हमने पेयर वाइज ले लिया, पहले इसके साथ इस पूरे को, इसको अलग रख लिया और इस पूरे को इकट्ठा। तो पी वन का जीसीडी इन सब के साथ 1 है तो पी वन के पावर फाई अलग दे दिया, इसको फाई अलग दे दिया, फाई एम इंटू फाई एन की फॉर्म में लिख लिया। फिर सिमिलरली इसको इन दोनों पर, इसको अलग रखा और इस पूरे को अलग रखा, ये अलग है और ये पूरा अलग है, तो इसको भी, इनका जीसीडी भी 1 है तो इसको अलग फाई दे दिया और इसको अलग ब्रेक कर दिया। प्रोसीडिंग लाइक दिस, लास्ट में सब अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि सबका जीसीडी आपस में 1 है। तो फाई एन इज इक्वल टू फाई पी वन की पावर के वन, पी टू की पावर के टू, पी आर की पावर के आर। अब फर्स्ट थ्योरम में हमने निकाला था पी वन की पावर के वन की वैल्यू, पी वन के वन माइनस के वन, वन माइनस वन बाय पी वन, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, सबकी अलग अलग वैल्यू पुट कर दी बाय थ्योरम 1। इन सब का प्रोडक्ट इकट्ठा लिख लिया, इन सब का अलग लिख लिया, ये टोटल वैल्यू क्या बन गई, एन की वैल्यू फैक्टर जो हमें गिवन है, और इसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में कॉम्पैक्ट करके लिख दिया आई वन टू आर वन माइनस वन बाय पी आई, आई की वैल्यू क्या है 1 से लेकर आर तक। तो फाई एन हमारा किसके इक्वल आ गया, एन इंटू दिस पी आई, आई वन टू आर लिख दो, या फिर हम यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि पी डिवाइड्स एन, एन के फैक्टर्स, तो पी सारे फैक्टर ऑफ एन है, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास तीन ही फैक्टर्स हैं इसके, फाई वन पी वन के वन माइनस वन, पी टू के टू माइनस टू, पी थ्री के थ्री माइनस वन, तो रिजल्ट क्या आएगा, एन को ब्रेक तीन फैक्टर्स से अगर एन के, तो उसको हमने ये आंसर आएगा, तीन ही फैक्टर्स में आंसर आ जाएगा आपका, ये 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फाई 600, फाई की पावर 600। अब इसी मेथड से करना है इस एग्जांपल को आपको। तो फाई की पावर हमें निकालनी है फाई ऑफ 600 की वैल्यू। तो सबसे पहले 600 का फैक्टराइजेशन करेंगे, एन है यहाँ पर 600, तो 600 को हम ब्रेक करके लिखें तो कैसे होगा, 600 हमारा 2 की पावर 3, 3 और 5 की पावर 2, तो ये तीनों आपस में पी वन पी टू पी थ्री, 2, 3 और 5 तीनों को प्राइम है और यहाँ 1 लिख सकते हैं, के वन यहाँ पर है 3, के टू है 1 और के थ्री है 2, पावर्स जो हैं वो के वन के टू के थ्री, ये पी वन पी टू पी थ्री, पी वन इज़ 2, पी टू इज़ 3 एंड पी थ्री इज़ 5। अब देखिए ये सारे आपस में पी वन पी टू पी थ्री को प्राइम है, तो n का ये प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या है, ये अगर फाई n निकालना है तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, फाई ऑफ n है ये, तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, फाई 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, फाई ऑफ 5 की पावर 2, फाई ऑफ 2 की पावर 3 क्या फॉर्मूला है, अभी हमने किया कि फाई ऑफ p की पावर k का फॉर्मूला क्या है, p की पावर k 1 माइनस 1 बाय p, तो यहाँ पर ये अप्लाई करें 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 1 माइनस 1 बाय 2, p ये है। सिमिलरली इस पर अप्लाई करें 3 की पावर 1, 1 माइनस 1 बाय 3, इस पर अप्लाई करें तो 5 की पावर 2, 1 माइनस 1 बाय 5, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 1 माइनस 1 बाय 2 इज़ 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 3 इज़ 2 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 5 इज़ 4 बाय 5, ये क्या बन गया टोटल हमारे पास, n, n क्या था 600, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 600 इंटू 1 बाय 2, 2 बाय 3, 4 बाय 5, इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 15, 4 जा 60, 160 आंसर आ गया। तो फाई ऑफ 600 की वैल्यू आ गई हमारे पास 160, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरम हमको अप्लाई करनी है।